मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि वर्ष 2020 और 2021 के राज्य के आम बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और स्वावलंबन पर फोकस किया जाएगा। हरियाणा में 2020 को सुशासन संकल्प वर्ष घोषित किया गया है, जिसके चलते राज्य के आम बजट को तैयार करने के लिए पहली बार हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में 3 दिन तक राज्य के सभी विधायकों से अलग अलग विषयों पर चर्चा करने के उपरांत बजट पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुग्राम में सर्विस सेक्टर और रियल इस्टेट सेक्टर से संबंधित हितधारकों के साथ वर्ष 2020 और 21 आम बजट से पूर्व परामर्श चर्चा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारतीय अर्थव्यवस्था से सन 2024 तक $5 ट्रिलियन बनाने के विजन को प्राप्त करने में हरियाणा पूरा योगदान देगा। इसके लिए हर सेक्टर में ग्रोथ बढ़ाने की जरूरत है। इसी को ध्यान में रखते हुए इस बार बजट से पहले अर्थव्यवस्था से जुड़े 5 प्रमुख स्टेट होल्डर्स के साथ प्री बजट कंसल्टेशन बैठक रखी गई है, जिनमें सर्विस सेक्टर व रियल इस्टेट सेक्टर के साथ परामर्श बैठक गुरुग्राम में रखी गई। इसी प्रकार पानीपत में टेक्सटाइल सेक्टर और हिसार में एग्रीकल्चर एंड अलाइड सर्विसेज से जुड़े लोगों के साथ भी चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य है कि अधिक से अधिक रोजगार के अवसर पैदा हों और ढांचागत सुविधाओं का तेजी से विकास हो। मुख्यमंत्री ने प्री बजट कंसल्टेशन के पहले सत्र में सर्विस सेक्टर और दोपहर बाद दूसरे सत्र में रियल इस्टेट के प्रतिनिधियों द्वारा रखे गए सुझावों को ध्यानपूर्वक सुना और आश्वस्त करते हुए कहा कि राज्य की प्रगति के लिए आप सभी के सुझावों को बजट में शामिल किया जाएगा। उन्होंने कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे का जिक्र करते हुए कहा कि इसके साथ रेल नेटवर्क विकसित करने के साथ राज्य में मेट्रो सेवा के विस्तार से अतिरिक्त हिसार एयरपोर्ट को विकसित किया जा रहा है। उन्होंने सर्विस सेक्टर के प्रतिनिधियों को राज्य के युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए सक्षम युवा पोर्टल से जुड़ने की बात कही। देखिए, एज फाइनेंस मिनिस्टर प्री बजट कॉन्फ्रेंस इसका हमने प्लान किया है और प्रदेश में 4 प्री बजट कॉन्फ्रेंस अभी प्लान की है, पढ़ भी सकती हैं, एक आध और भी किसी सेक्टर की डिमांड आएगी तो उनसे भी करेंगे। आज कुछ सर्विसेज सेक्टर से लोग थे, उनसे बुला करके बातचीत की, उनके सबके सुझाव लिए हैं और सबने बहुत अच्छे वैल्यूबल सुझाव अपने बताए भी हैं, प्रेजेंटेशन भी की हैं, लिखित में दिए हैं सबने, उसका सबका अध्ययन करेंगे और कोशिश रहेगी कि एक सभी सेक्टर्स का मिला करके प्रदेश के हित में एक बढ़िया बजट कैसे बनाया जा सकता है उसके ऊपर विचार करेंगे। इसके बाद सेकेंड मीटिंग जो है रियल इस्टेट के जो डेवलपर्स हैं उनको बुलाया है, क्योंकि यहाँ गुरुग्राम में खास करके एक रियल एस्टेट सेक्टर का अपना एक महत्व है, उनकी भी कुछ हर वर्ष जो नए सुझाव आते हैं हम वो सुझाव लेंगे। इसके बाद एक कॉन्फ्रेंस जो हमारी होगी पानीपत में है, खास करके टेक्सटाइल के लोगों को, एग्रीकल्चर को लेके है हिसार में और फरीदाबाद में है कुछ और इंडस्ट्री को लेकर के, तो ऐसे अलग अलग सेक्टर्स को लेकर के सारी कॉन्फ्रेंस होने वाली है। कौन-कौन लोग अलग अलग सेक्टर्स के थे वो लिस्ट आपको मिल जाएगी। लगभग 25-30 लोग जो सर्विस सेक्टर्स के थे, फ्लिपकार्ट भी उसमें थे, उसमें फिक्की के लोग भी थे, उसमें सीआईए भी थे, अलग अलग सेक्टर के सब लोग आए। बजट अच्छे से अच्छा आए ये हमारी इच्छा है और उसमें सबके पार्टिसिपेशन से यदि आएगा मैं मान के चलता हूँ अच्छा आएगा। आखिर बजट का तो यही होता है कि समय की आवश्यकता, नीड्स ऑफ द आवर, उसको कैसे फुलफिल किया जाए। ये बजट हर साल जो पेश होता है उसकी एक आवश्यकता होती है, तो नीड ऑफ द आवर क्या है ये पब्लिक के लोग ज्यादा अच्छा बता सकते हैं। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।